व्लॉग। आप सब कैसे हैं? हम सब हैं बहुत बढ़िया। आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज विवान के लिए कुछ स्पेशल बनने वाला है। क्या बनने वाला है विवान? प्रिंसेस। क्या? प्रिंसेस। आपको स्ट्रॉन्ग बॉय बनना है। विवान को बनना है स्ट्रॉन्ग बॉय। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो आज बनाने वाले हैं हम विवान के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए स्ट्रॉन्ग रेसिपी। तो चलो विवान चलते हैं, हम लोग बनाएंगे आपके लिए कुछ यम्मी और स्ट्रॉन्ग। ओके लेट्स गो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ विवान के लिए एक प्रोटीन पाउडर जो कि है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो बच्चों को उसमें दूध और थोड़ी सी शक्कर पाउडर या फिर आप गुड़ मिला करके भी दे सकते हैं। तो वो एक प्रोटीन पाउडर उनके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा उनके लिए। उसमें रोज़ आप दूध मिला करके दीजिए बच्चों को, उनका मतलब एक हेल्दी और हैवी उनका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हम ये ऐड ऑन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे मैंने काजू है, बादाम है, साथ में आपको लेना है ये पोहा। तो क्वांटिटी सब चीज़ों की मेज़र करके ही डालनी है हमें। तो पोहे ले लेंगे, मखाना ले लिया है और मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को करने वाली हूँ मेज़र। तो एक कटोरी मैंने ये ले ली है, इस कटोरी के बराबर की मैं सारी चीज़ें लूँगी। फिर उनको रोस्ट करना है हमें अच्छे से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सारी सबकी क्वांटिटीज़ उनके हिसाब से ले ली है, जैसे ये दोनों मैंने सेम एक नाप के काजू और बादाम ले लिए हैं और उतना ही मैंने ये पोहा ले लिया है। मखाने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी थोड़ा ज़्यादा लूँगी। तो वो अच्छे से फिर जब हम दूध डालते हैं उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वो फूल जाते हैं। तो एक कटोरी भी अगर बच्चा रोज़ खा लेता है तो वो सफिशेंट है उसके लिए। तो आप इनको वन बाय वन मैं करने वाली हूँ घी में रोस्ट। तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के अच्छे से इनको रोस्ट कर लेना है, वरना काजू तो क्या है फिर जब हम ग्राइंड करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना ऑयली से हो जाते हैं। तो फिर इसको अच्छे से इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। चलिए फिर रोस्ट करके फटाफट नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही घी निकाला था इस कढ़ाई में, तो मैंने सोचा कि इसी में मैं और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने जस्ट घी निकाल के इसको रखा है। तो सबसे पहले मैं जो है रोस्ट कर लेती हूँ पोहा को। तो धीमी आँच पर हमें इन्हें रोस्ट करना है, चलाते रहना है, बिल्कुल भी मतलब लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए थोड़ा सा भी, नहीं तो फिर टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, बच्चे को मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि जब टेस्ट थोड़ा ठीक आएगा तो बच्चा उसको खाना पसंद करेगा। तो उसको फटाफट हम लोग धीमी आंच पे रोस्ट कर लेते हैं। तो ये जब तक लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि ये कच्चे भी ना रहें, क्योंकि फिर वो ग्राइंड ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारे रोस्ट करके, ये मखन रोस्ट हो गया है, ये मेरे पोहे रोस्ट हो गए हैं, अब कॉर्नफ्लेक्स हो रहे हैं रोस्ट। यहाँ पे मिक्सी हुई है रेडी, करते हैं मिक्सी का यूज़। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जो है चीनी को पीस लेती हूँ, उसका शुगर पाउडर बना करके फिर उसमें सब मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं चीनी पीस लेती हूँ क्योंकि फिर सारी चीज़ें पीस जाएंगी उसमें, उसके बाद में चीनी पीसने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले चलते हैं शुगर को कर लेते हैं ग्राइंड। तो शुगर हो गई है पूरी तरह से ग्राइंड। शुगर को आप अपने हिसाब से बच्चे को कितना मीठा खिलाते हैं उस हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लिया है मैंने एक बड़ा बर्तन क्योंकि मिक्स करने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए, तो उसमें मैंने डाल दी है ये पिसी हुई चीनी। अब सारी चीज़ें पीस के मैं इसी बड़े बर्तन में ही डाल दूँगी, तो उससे क्या होगा कि मिक्स करने में ईजी रहेगा, वरना फिर दो चार कटोरियाँ तो गिरी जाएंगी। तो एक बड़ा बर्तन ज़रूर लीजिएगा। तो मैंने ये काफ़ी बड़ा बर्तन गहरा हुआ है, गहरा लिया है, तो इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। चलिए फिर एक एक करके हम सारी चीज़ों को ही ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस।
यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ आलमंड्स, तो अच्छे से इनको रोस्ट करना है वरना इसका ऑयल निकल के फिर पूरा मिक्स जैसे ग्राइंड करेंगे तो ये पूरा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा, फिर ख़राब भी जल्दी हो जाएगा फिर आपका पाउडर। तो इसलिए अच्छे से इसको जितना हो सके उतना बढ़िया इसको रोस्ट करना है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद आपको रोस्ट करोगे तो ये कभी भी वो ऑयली ऑयली सा नहीं होगा। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं थोड़े से मुरमुरे भी फ्राई, इसको हमारे लखनऊ में लैया बोलते हैं, तो लैया और मुरमुरे जो भी आप बोलते हैं थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं। हल्का सा इनको रोस्ट करने पे ही जल्दी से 2 मिनट के अंदर रोस्ट हो जाएंगे, तो इनको भी साथ में रोस्ट कर लेते हैं और इसको फिर साथ में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है रोस्ट करके अच्छे से। तो मैंने बादाम, काजू, मुरमुरे और पोहा और कॉर्नफ्लेक्स इन सबको और मखाना इन सबको अच्छे से रोस्ट किया है। उसके बाद इनको सबको ग्राइंड करके एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। अब इनको मतलब ठंडा होने के बाद ही मैंने ग्राइंड किया था, लेकिन फिर भी अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से। और मैंने इसमें ही साथ ही चीनी को भी पीस के पाउडर बना करके इसमें सबसे पहले वो डाल दिया था, तो इसमें अच्छे से इसको मिक्सअप करके और देन हम इसको अच्छे से और ठंडा हो जाने देंगे, जो थोड़ा बहुत और ऐसा हल्की फुल्की गर्माहट होगी तो उसको भी और कूल डाउन करके फिर हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करेंगे। फिर अपना आप बच्चे के एज के अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। मैं जैसे कि मेरा बेटा 3.5 साल का है लगभग, तो मैं उसको यहाँ इसमें कम से कम मैं उसको 7 स्पून टेबल स्पून मैं उसको इसको दूंगी, क्योंकि ये इसमें कॉर्नफ्लेक्स और मखाना वगैरह है तो वो क्या काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है दूध में भिगोने के बाद में। तो आप 10 से 15 मिनट उसको गर्म दूध डाल के भिगो के रख दीजिए, बस खाने के लिए फिर 10 मिनट में ही रेडी हो जाएगा ये। तो सुबह स्कूल जाने के टाइम पे समझ में नहीं आता कि क्या नाश्ता दें जो हेल्दी भी हो और बच्चा खा ले आराम से, तो ये सबसे बेस्ट लगता है। मैंने पिछली बार भी बनाया था तो इस बार सोचा कि बना ही रही हूँ तो मैं एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। बहुत से जो वीडियो देख रहे हो ऐसे लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और देर रेस्ट करने देती हूँ इसको, और ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी। कैसा है विमान? यम्मी, वेरी गुड, हाई फाइव, ओके।